ये देखिए व्यूअर्स, आज मैंने अपने लिली के गमले खाली किए हैं। 15 गमले थे, बहुत ढेर हो गया था। अब लिली की फ्लावरिंग तो अगले साल मार्च अप्रैल में होगी, इसलिए मैंने ये सब खाली कर लिए हैं। ये देखिए छोटे छोटे बल्ब मैंने एक में शिफ्ट कर दिए हैं, और ये बड़े बल्ब जो हैं इनको मैं सबको निकाल कर अभी एक तार में बांध कर, जैसे प्याज और लहसुन लटकाते हैं गाँव वगैरह में, ऐसे ही मैं इनको लटका दूँगी। और जब ये थोड़े सूख जाएंगे तब इनको मैं पैक करके रखूँगी पेपर में। ये देखिए लिली के बड़े बड़े बल्ब को मैंने इस तरीके से इकट्ठा कर लिया है। ये डबल पेटल, फोर पेटल जो लिली होती है, ये उसके बल्ब, देखिए इनका साइज़ देखिए कितना बड़ा है। इन सबको मैंने ऐसे तार से बांध लिया और अभी इनको हवा में लटका दूंगी मैं, ताकि ये बारिश में ना भीगें। अभी क्योंकि बारिश आने के इम्कान हैं, इसलिए मैं अभी इनको धूप में नहीं रख रही। थोड़े से ये ड्राई हो जाएंगे तब मैं इनको धूप में रखूँगी, सुखाऊँगी और फिर इनको पेपर में पैक करके रखूँगी अगले साल के लिए। ये देखिए इतने ढेर सारे लिली के बल्ब तैयार हैं। ये एक बल्ब में लाई थी, उसके बाद से ये देखिए इतने ढेर सारे बल्ब, और बहुत ढेर सारे हो गए हैं, सैकड़ों की संख्या में। इसलिए मैं इनको अलग करती जा रही हूँ और इनको मैं जो बागवानी के शौकीन हैं उन सबको ये दे दूँगी मैं। ये देखिए ये मिट्टी के ढेर में अभी और छोटे छोटे बल्ब बहुत सारे निकलेंगे। अभी तो ये जो सामने सामने दिख रहे थे मैंने वो निकाले हैं। अब इसमें से जो और छोटे छोटे निकलेंगे उन सबको मैं इकट्ठा करके वो बांट दूँगी। ये देखिए व्यूअर्स, मैंने लिली के सारे गमले खाली कर लिए हैं। ये देखिए कितने ढेर सारे बल्ब हैं, छोटे छोटे बल्ब मैंने दूसरे गमलों में लगा दिए हैं, तो ये बड़े वाले मैंने अगले साल के लिए सेव करके रख रही हूँ। ये फोर पेटल लिली के बल्ब देखिए इनका साइज़ कितना बड़ा है। ये सिंगल पेटल लिली के बल्ब हैं ये सारे, इनको मैं इस तरीके से तार से बांध कर, ये देखिए ऐसे मैंने इनको बांध दिया है और ऐसे अभी हवा में लटका दूँगी। और जब इनका सीज़न आएगा तब मैं इनको लगाऊँगी। अभी जब ये बारिश आना बंद हो जाएगी तब मैं इनको धूप में रख कर सुखाऊँगी अच्छे से, एक हफ्ते तक पेपर पे रखूँगी और फिर पेपर में ही पैक करके इनको अगले साल के लिए सेव कर दूँगी।